हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और फिर देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का हम सेंटेंस में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की प्रोनाउंसिएशन है ओ आर और जी ए क एन आई मी जेड ए ज टी आई ओ एन शन ऑर्गेनाइजेशन 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 को हम ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सिनोनिम्स या समानार्थ शब्द होते हैं कंपनी, फर्म, व्यवसाय या संघ, एसोसिएशन, संस्था, अरेंजमेंट, व्यवस्था। वहीं ऑर्गेनाइजेशन के एंटोनिम्स या ऑपोजिट शब्द होते हैं कियोस, उथल पुथल होना, डिसऑर्डर, गड़बड़ी, डिसऑर्गेनाइजेशन, अव्यवस्था, मेस, गड़बड़ी। ऑर्गेनाइजेशन के दो मतलब होते हैं। पहला है अ ग्रुप सच एज अ क्लब और बिजनेस दैट हैज फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। एक समूह जैसे कि एक क्लब या व्यवसाय जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है, तब हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वही ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा भी मतलब होता है, वो है प्लानिंग एंड अरेंजिंग समथिंग सो दैट इट इज सक्सेसफुल और इफेक्टिव। किसी चीज की योजना बनाना और व्यवस्था करना ताकि वह सफल या प्रभावी हो सके। आइए तो कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अ लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वह एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष हैं। The organization has a large annual budget. The organization has a large annual budget. संगठन का एक बड़ा वार्षिक बजट है। वहीं organization का जो दूसरा मतलब है वो है व्यवस्था। उससे sentence examples देखते हैं। Ria will help us with some of the organization. Ria will help us with some of the organization. कुछ व्यवस्था करने में रिया हमारी मदद करेगी। The college has helped Anita with the organization of the event. The college has helped Anita with the organization of the event. College ने भी कार्यक्रम का आयोजन करने में अनीता की मदद की है। तो सिंपल शब्दों में ऑर्गेनाइजेशन का पहला मतलब होता है संगठन या संस्था, वहीं दूसरा मतलब होता है व्यवस्था या निर्माण। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप ऑर्गेनाइजेशन शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्ड। अंटिल देन कीप लर्निंग, रीड लॉट ऑफ बुक्स एंड स्टे हैप्पी।